Hi everyone, welcome back to this channel and this is O2IS Academy. My name is Kritika and this is the Balokhra series going on. So the people who are new, hum Jagmohan Balokhra ki likhi gayi Wonderland ko in series mein cover kar rahe hain. तो अच्छी बात यह है कि HPPSC ने आपकी फाइनली नोटिफिकेशन आउट की है. 16 टोटल वैकेंसीज हैं अभी जो कि टेंटेटिव हैं, इनको चेंज किया जा सकता है. 8 आपकी HS की हैं जिसमें से 4 अनरिजर्व्ड हैं, 4 आपकी रिजर्व्ड हैं. सो इसका ध्यान रखना है क्योंकि इसकी जो डेट है लास्ट आपके अप्लाई करने की वो 15 जून है. सो आपको इससे पहले जो है यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर देना है. इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए. नोटिफिकेशन का मतलब होता है फाइनल स्ट्रोक, दैट मीन्स इसके बाद में एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है. सिंस दिस इज़ द कोविड टाइम्स गोइंग ऑन, ऑलरेडी जुलाई में एग्ज़ाम होना था तो क्या हुआ कि सेकेंड वेव आ गया. अब थर्ड वेव के ऊपर डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम जो है आपका कब होगा. सिंस अक्टूबर में, UPSC अक्टूबर में हो रहा है तो उसके आसपास ही यहाँ पर एग्ज़ाम होने के चांसेस बनते हैं. तो करते हैं आज के लेक्चर की बात. आज का लेक्चर हम इसमें बलोकरा का 13th और 14th चैप्टर दोनों ही कवर करने वाले हैं. सिंस मैंने आपको बताया था ये एक एनसाइक्लोपीडिया के जैसे लिखी गई है, यानी कि इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी गई. सीनिक ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, बहुत जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो आज हमारा 35th लेक्चर है. अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे आपको पता नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने हैं, या फिर आपके फॉर्म को फिल करते हुए कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप मुझे इस हैंडल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे जो फ्लैश हो रहा नंबर है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. इन जो लेक्चर्स हैं इनके PDF आपको हमारी ऐप पर मिलते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. उसमें एक छोटा सा सेक्शन है स्टडी मटेरियल, वहाँ पर जाकर एक अलग से फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है बलोकरा सीरीज. सो वहाँ पर आप ये सारे के सारे जो PDFs हैं आपको मिल जाएंगे. टेस्ट सीरीज, सिंस HS बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें HPGK, तो देखिए जो बाहर हैं अदर स्टेट्स के लोग भी एग्जाम भरते हैं, जो हिमाचल वाले हैं उनके लिए सबसे स्कोरिंग सेक्शन जो है ये हिमाचल वाला सेक्शन रहता है. इसी के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये तो एक तो है जिसमें GS आपका फुल कवर किया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं वो आप देख सकते हैं. डेडिकेटेड एक सिर्फ हिमाचल के लिए भी हमारे पास में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसमें 1500 क्वेश्चन हैं सिर्फ हिमाचल GK के ऊपर. इसमें आपको एक साल के करंट अफेयर्स भी मिलते हैं. जो इन जो आपके टेस्ट रहेंगे, टेस्ट सीरीज हैं ये, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो फॉर्म में मिलती है जो यहाँ पर मैंने खुद एक्सप्लेन किए हैं. राइट, सो इसे भी आप देख सकते हैं. जो पहले 3 चैप्टर हैं, इनफैक्ट जो पहले 3 टेस्ट हैं वो ज्योग्राफी के हैं. दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल राइट देयर, ओपन है. सो उनको आप जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो किस तरीके की चल रही है. राइट, तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहला चैप्टर जो है आज हम एक 13 चैप्टर एजुकेशन इन हिमाचल. सो एजुकेशन में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपके जगमोहन भलोकरा जी जो हैं उन्होंने बहुत ढेर वो वाली बातें डिस्कस किया जो हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. हम सिर्फ की पॉइंट्स उठाएंगे जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. उन्होंने तो सीनिक ब्यूटी, उसके अलावा किस तरीके का उसके आसपास का माहौल है वो सारी बातें की हैं, वो हमें नहीं पढ़नी है. आपने भी बलोकरा लास्ट मोमेंट पे अब जब एग्जाम आने वाला है नहीं उठानी है. राइट, सो शुरुआत करते हैं हम वो लोग उनके नाम जिन लोगों ने हिमाचल में एजुकेशन के लिए थोड़ा बहुत जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, किस तरीके से वो आगे बढ़े. तो पहले आते हैं आपके पंडित रामसरन, इन्होंने चंबा में गर्ल्स स्कूल ओपन किया था. फिर आपके श्री सत्यानंद स्टोक्स, तो इनके बारे में तो हमें पता है, अमेरिकन मिशनरी थे, यहाँ पर आए, हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस हो गए. और महासू डिस्ट्रिक्ट जो अभी आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट है उसमें इन्होंने बेसिकली एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया है. फिर आगे श्री राम दयाल, ये आपके कोटगढ़ के, शिमला में ही अभी तो आता है, कोटगढ़ के यहाँ पर लैंडलॉर्ड हुआ करते थे. इन्होंने कोटगढ़ स्कूल खोला और वहाँ पर जो है उसके प्रिंसिपल बने. नेक्स्ट है श्री प्रताप सिंह नेगी, अब ये आपके इन्होंने हाई स्कूल खोला था आपका सिरमौर में. तो ये वो लोग हैं जिन्होंने एकदम स्टार्टिंग में एजुकेशन को प्रमोट किया था और इन्होंने ज़रूरत समझी कि अच्छे स्कूल्स की हमें ज़रूरत है, अच्छे एजुकेशन सिस्टम की हमें ज़रूरत है. फिर हम क्या देखते हैं इसमें कि 1948 तक तो हम क्या थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस उस वक्त हम बने हुए थे. तो यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो सेटअप किया गया लेकिन इतना खास उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था. फाइनली 1952 यानी कि जब पार्ट सी स्टेट हम बने उस वक्त हम देखते हैं कि एक डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यहाँ पर बनाया गया, एक पोस्ट बनाई गई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, लेकिन ये काफ़ी वक्त तक खाली रहती है. फाइनली इसको भरा गया फर्स्ट टाइम 1958 में, यानी कि अगेन UT जब बन गया था.
तो हमारे जो पहले फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे उनका नाम था श्री के एल सेठी, तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर पूछा जाए तो आप वहां पर आंसर कर सके, राइट। बस इतना सा ही है इसमें जो एजुकेशन के बारे में, बहुत एक्स्ट्रा चीजें दी गई थी जो नहीं पढ़नी है। फिर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की, इसमें भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, सीनिक ब्यूटी की बात की गई है, कौन कौन से कोर्सेज उसमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो चीज़ें अगेन आई एम लाइक अच्छे से मैं यहाँ पर फोकस करने की इसी पर कोशिश कर रही हूँ कि अब फाइनली जब एग्जाम पास में है, अब अगर बलोकरा खोलेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं उसको अभी खोलिएगा मत, वहाँ से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं ऑलरेडी एक एक दो दो सेंटेंस में, ये 200-200 पेज हैं, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो अभी आपका बहुत वक्त ज़ाया हो जाएगा और वर्थ इट भी नहीं होगा, ठीक है। तो हिमाचल HPU से शुरू करते हैं। HPU हमें पता है कहाँ पर है, शिमला में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, July 22, 1970। क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है लेकिन ऐसे जो है आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि इन एनी केस अगर पूछ लिया जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम ये जो आपका HS का एग्जाम था इसमें इन्होंने वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए थे, वो जो आप ऐसे छोड़ के आते हो कि अरे ये कौन पढ़ता है, तो वो वाले ही डायरेक्ट इन्होंने पूछ लिए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम क्या देखते हैं यहाँ पर, कुछ कुछ चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने अपना एक एंथम जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी और संस्कृत का मिक्स है, कुलगीत भी जिसे हम कहते हैं। ये आपके 2011 में जब इनका फाउंडेशन डे था उस दिन इसको रिलीज किया गया था। तो ये किसने लिखा है, ये एक वाराणसी में संस्कृत यूनिवर्सिटी से जो वहां पर उनके वाइस चांसलर थे उन जिनका नाम है राजेंद्र मिश्रा, तो इनका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए कि इन्होंने यहाँ पर लिखा है। HPU की एक और बात क्या है, जैसे जब भी कॉन्वोकेशन होती है तो आपके ब्लैक रोब्स पहने जाते हैं ना, देखा है आपने कि वो अपनी जो टोपी है वो ऐसे उछालते हैं। HPU ने कुछ डिफरेंट यहाँ पर क्या किया, उन्होंने कहा कि हम अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगे, जिसकी भी कॉन्वोकेशन है वो आपकी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगे। सो इस तरीके से पहाड़ी टोपी है या फिर आपने सदरी है वो डालनी है, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर पहनी जाएंगी। रिच इन कल्चर, जो हम अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी से हम प्राउड फील करते हैं, वो वाली फीलिंग जो है यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है। तो ये बातें थी आपकी HPU की। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ये भी हमें पता है, सिंस जब भी ट्वेल्थ के बाद में कोई बच्चा निकलता है वो दो तीन एग्जाम तो जरूर भरता है, एक पालमपुर का हो गया, एक एग्रीकल्चर का, एक हॉर्टिकल्चर का हो गया, बी फार्मा हो गया, ये कुछ कुछ जो एग्जाम्स हैं, इसी की वजह से आपको थोड़ा हल्का बहुत आइडिया ऑलरेडी होगा भी अगर आप नई नई प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है आपकी पालमपुर में। अब जो आपको ये CSK देखने को मिल रहा है ये है आपका चौधरी स्वरण कुमार, तो ये आपका 2001 में इनका नाम यहाँ पर जोड़ा गया था। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे जब हम स्पेशली स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर देखेंगे या फिर क्लाइमेटिक जोन्स, वेजिटेशन जोन्स, वो अभी हमारा एक टॉपिक रह गया है क्योंकि मैं बलोकरा की टाइमलाइन से चल रही थी तो उसमें वो इस तरीके से नहीं आया, उसको हम देखेंगे। तब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी रिसर्चेस की जाती है, कौन कौन से आपका क्लाइमेटिक जोन में आता है, किस तरीके का फ्लोरा एंड फौना हमें इधर वाले एरिया में देखने को मिलता है, क्योंकि एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स भी यहाँ पर चलाए जाते हैं। लेकिन इसकी थोड़ी सी बात करें अगर हम, तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 नवंबर 1979 में। अब ये जो आपकी ऑल अमंग इंडिया में जितने भी फार्म यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 14th रैंक करता है, तो इनकी आप वेबसाइट भी खोल सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ कुछ जो है इनके प्रोग्राम्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट आ गया डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, तो मैंने बताया कि ये आपका नौनी में है। अब यहाँ पर भी रिसर्च बेस्ड ही है ये बहुत सारी, नो डाउट जो कोर्सेज हैं वो तो हैं ही, लेकिन रिसर्च बेसिस पे भी और एजुकेशन बेसिस पे दोनों पे इसको बनाया गया था। इसकी स्थापना कभी हुई थी, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 दिसंबर 1985 में। अभी 1985 में तो किया गया, लेकिन इससे पहले एक एग्रीकल्चरल कॉलेज हुआ करता था सोलन में 1962 में। उसके बाद बहुत सारी जो है इसकी हिस्ट्री थोड़ी रिच है, क्या होता है पंजाब में चला जाता है, ये रीऑर्गेनाइजेशन वाला टाइम है, 66 में वापस जो हिमाचल के पास में आता है, और फिर ये ही जो एग्रीकल्चरल कॉलेज है अगेन सोलन में, ये आपकी एग्रीकल्चर की और हॉर्टिकल्चर की ब्रांच डिफरेंट डिफरेंट करते हैं। जो नौनी है वो आपका हॉर्टिकल्चर बन गया, एग्रीकल्चर जो है वो पालमपुर को शिफ्ट कर दिया गया। सो इस तरीके से मतलब इसका जो एक बेसिक पहले 1962 में एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज जो है वो प्रॉपरली खोला गया था, लेकिन वो अगेन पंजाब और हिमाचल के बीच में बैक एंड फोर्थ होता रहा, जिसकी वजह से अच्छे से चला नहीं वो, और फाइनली जब आपका ये रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं।
फाइनली क्या हुआ कि बलोखरा में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, NIT हमीरपुर है, JP यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, HP बोर्ड, ये सारी बातें की गई हैं, ये एग्ज़ाम में कोई भी नहीं पूछता है. सो अगेन इनको नहीं पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना है, अगर वैसे ही इच्छा रखते हैं तो ज़रूर पढ़ सकते हैं कि JP यूनिवर्सिटी कहाँ है, क्यों है, कैसे है, तो आप देख सकते हैं. अदरवाइज आई वोंट रिकमेंड कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है. ठीक है, अब क्या है कि नो डाउट हम आगे भी और चीज़ें करने वाले हैं, लेकिन जो बजट था, जो आपका 2020 का और 2021 का बजट रहा है, उसके हिसाब से उसमें कुछ कुछ आपकी स्कीम्स दी गई है जिनको मैं यहाँ पर पिन पॉइंट करना चाहती हूँ, क्योंकि एजुकेशन से सिंस हम रिलेटेड बात कर रहे हैं तो इनको आपका थोड़ा सा पॉइंट आउट करना बनता है. तो पहली आपकी स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना. अब स्वर्ण जयंती यानी कि हमने जो है अपनी स्वर्ण जयंती यहाँ पर मनाई है स्टेटहुड की, इसकी बात मैं बहुत बार कर चुकी हूँ. अब इसमें क्या हुआ कि इसमें हम बात करते हैं जो आपके 100 क्लस्टर स्कूल्स हैं उनमें हमने इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट्स, फैन, स्मार्ट क्लासेस, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली, उसके ऊपर काम करना है और उसको अच्छे से यहाँ पर जो है सेट करना है. देन इसमें जो अभी वाला बजट आया उसमें हमने देखा कि इसमें और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं इसके अंदर जोड़े गए हैं. तो यही है, नाम याद रखना है, स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना. इसमें 100 स्कूल्स को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा. फिर आ गया आपका CV रमन वर्चुअल क्लासरूम योजना. अगर आपने ये स्पेशली लेक्चर्स भी देखे थे बजट के जिसमें मैंने स्कीम्स अलग से डिस्कस किए थे, तो ये आपको ऑलरेडी पता होंगे. वर्चुअल मोड की हम बात करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लाना है, और जो क्लासरूम्स हैं वो सिर्फ वाइट बोर्ड और चॉक तब तक ना रह जाए, बहुत अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी को जो है क्लासरूम्स में इंक्लूड किया जाए. फिर हम एक और क्या देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है, ये आपकी मंडी में है. इसको यहाँ पर स्टार्ट करने की बात की गई थी 2020 के आपके बजट में. देन इज मेधा प्रोत्साहन योजना. इसमें क्या है, जो भी बच्चा किसी भी, इनफैक्ट अभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे इसका फ़ायदा पूरा उठा रहे हैं, उनको एक सर्टेन अमाउंट है बच्चों को जो दिया जाता है कोचिंग के लिए. अगर वो किसी भी तरीके की कोचिंग करना चाहते हैं, उनको कुछ प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, एंड फाइनली उनको जो सरकार है उसकी तरफ से पैसा आता है जिसे वो कोचिंग में यूज़ कर सकते हैं. इनफैक्ट अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि HPU ने भी कहा कि हम जो है IAS UPSC की यहाँ पर कोचिंग देने वाले हैं. फिर आ गया स्वर्ण जयंती सुपर 100. तो ये इसमें क्या होगा कि बच्चों को जो है स्कॉलरशिप अगेन दी जा रही है किसी भी तरीके के एंट्रेंस एग्जाम के लिए. अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें 1,00,000 रुपए का असिस्टेंस यहाँ पर दिया जा रहा है. अब ये ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टली आप जो है वहाँ पर लिखेंगे कि मुझे 1,00,000 रुपए का असिस्टेंस चाहिए, वो दे दिया जाता है. आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहाँ पर दिखाने पड़ते हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है उसको यहाँ पर फॉलो किया जाता है. तो आपको पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है ये, एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स हम यहाँ पर देख रहे हैं. टॉप 100 स्कॉलरशिप स्कीम यहाँ पर शुरू की गई, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें भी करियर काउंसलिंग की बात की गई. अब आपने एक और चीज़ क्या देखी होगी कि जब भी स्पेशली जो बच्चे प्लस टू से भी बाहर निकले हैं वो एक्सप्लोर करते हैं कि हाँ हमें क्या करना है, किस चीज़ की तैयारी करनी है, तो अगर आप गवर्नमेंट की साइट खोल के देखें तो वहाँ पर वो एक करियर काउंसलिंग का उन्होंने ऑप्शन दिया होता है कि बच्चों को एटलीस्ट पता हो कि HS क्या होता है, क्या वो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, किस तरीके से इसकी तैयारी की जाती है, या फिर बहुत सारे ऐसे एरियाज रहते हैं जो पता ही नहीं होते. सेमीकंडक्टर्स की लाइन होती है अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप सिर्फ CA, अगर आप कॉमर्स में सिर्फ CA की तैयारी थोड़ी ना होती, बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं. सो इस तरीके से करियर काउंसलिंग और कोचिंग के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर काम करती है. फिर आपका एक आता है हिम दर्शन शिक्षा एकत्रित पोर्टल. इसका नाम याद रखना है, इसको एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, और कर भी दिया होगा धीरे धीरे, सिंस स्पेशली जब हम देखते हैं कोरोना के कार्यकाल में बहुत इंपॉर्टेंट था कि एकदम से जो है सब कुछ ऑफलाइन से ऑनलाइन अब हमने स्विच किया. तो इसमें आपको जो पोर्टल है ये आपके टीचर्स को हेल्प करेगा चीज़ें अपलोड करने में, इंफॉर्मेशन देने में, और जो भी उनके मोबाइल एप्लीकेशन हैं प्रॉपर बनाए जाएंगे. अब ये नहीं पता कि ये बनाए गए कि नहीं गए, क्योंकि जो सारा फोकस है वो नो डाउट आपके फ्लाइट एंड फाइट पे आ गया कि हाँ जो कोरोना है उसे हमें लड़ना है, जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है उससे लड़ने के लिए, है ना. तो इस तरीके के पोर्टल, लेकिन पोर्टल का आपको नाम पता होना चाहिए, टीचर्स के लिए बना था कि जो टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस है वो ऑनलाइन हो सके. ठीक है जी, अब हम अगला लेक्चर करने वाले हैं अपना वाइल्ड लाइफ ऑफ हिमाचल प्रदेश. अब एक चीज़ जो हमें बहुत अच्छे से पता है कि वाइल्ड लाइफ में बहुत रिच है हिमाचल,
ठीक है, दैट वॉज द लाइक फ्लोरा एंड फौना दोनों में ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइल्ड लाइफ में ही है, लेकिन 14 चैप्टर जो है वाइल्ड लाइफ पे डेडिकेटेड है, सो हम इसको यहाँ पर देखने वाले हैं. सो ये आ गया हमारा स्टेट एनिमल द स्नो लेपर्ड. एंड इस तरीके से हमारे पास में नेशनल पार्क, सेंचुरीज और आपके अगेन रामसार साइट्स देखेंगे हम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं. तो सबसे अच्छा तरीका किसी भी चीज़ को पढ़ने का होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, मैप. मैप में आप जब पिन पॉइंट करते हैं ना कि अच्छा यहाँ पर पिन वैली है, तो ये आपको नहीं भूलने वाली है, आपको याद रहेगा कि पिन वैली कहाँ पर है. ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, ये आपके नेशनल पार्क्स हैं. देन हम यहाँ पर छोटे सेंचुरी एरियाज देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जब हम एक मैप को एक्सप्लोर करते हैं तो देखने को मिलती है. तो अगर आप बैठेंगे और इसको एक बार करेंगे, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन है वो इनकी लोकेशन पे पूछे जाते हैं ना, जैसे एक बार पूछा गया था किन्नौर का ये रूपी भाभा ये सेंचुरी कहाँ पर है, तो रूपी भाभा, वैसे तो अगर आपको रूपी वैली के बारे में भी पता था तो भी आपको थोड़ा आइडिया होता, लेकिन डायरेक्टली जो है इनके ऊपर पूछा जाता है. दारला घाट है, ये छोटी छोटी जो है जो आपने नाम है, खोंकन है, सो ये वाले नाम आप अक्सर ध्यान नहीं देते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं. तो अगर आप मैप से थोड़ा आइडिया रखेंगे तो आपको आइडिया वहाँ पर आप एग्जाम में जो है उसे ठीक कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टेट की अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना तो हमें देखने को मिलता ही है. 31 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो अब इसके ऊपर झगड़ा नहीं करना है, कमेंट में मुझे नहीं बोलना है कि 31 नहीं है. कई जगह जो है, अगर आप भलोकरा पढ़ रहे हो उसमें भी 26 लिखा हुआ है, बहुत सारी साइट्स पे आपको 28 देखने को मिलता है, कई जगह 32 देखने को मिलता है. दैट इज नॉट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अक्सर इनकी लोकेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं कि कितनी है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है. ठीक है, 5 हमारे पास में नेशनल पार्क्स हैं और 3 रामसार साइट्स हैं. अब रामसार साइट्स क्या होती हैं, तो बेसिकली ये पहले मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि कौन है तीन. तीन है हमारी, एक पोंग डैम है, रेणुका है, चंद्रताल है. इनकी आपको लोकेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, विच इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वाइल ये आपको ऑलरेडी पता है, आई एम अज्यूमिंग दैट. ठीक है, रामसार वेटलैंड जो साइट है ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखता है. अब ये भी अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, बट आई विल स्टिल गिव यू अ रिव्यू. ठीक है, रामसार एक कन्वेंशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ईरान की एक सिटी थी जिसका नाम रामसार था. 1971 में वहाँ पर एक कन्वेंशन होता है जिसमें वो इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स की बात करते हैं. अब जो आपके वेटलैंड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके की जगह होती है जहाँ पर, जैसे इसका नाम है वेटलैंड्स, आपकी कोई वाटर सोर्स रहता है वहाँ पर, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, यानी कि एनवायरमेंटल बड़ी एक इम्पॉर्टेंस वो वहाँ पर रखता है जिसको बचाना ज़रूरी रहता है. ठीक है, अगर मतलब उसको फ़र्क पड़ेगा तो आपके एनवायरमेंट को ही पूरा फ़र्क पड़ने वाला है. सो इसी तरीके से बहुत सारी साइट्स को यहाँ पर रामसार साइट्स घोषित किया जाता है और जो है उन्हें प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है. फाइनली इंडिया में 1971 में हुई थी यहाँ पर एक कन्वेंशन, 75 में इसे फोर्स किया गया था और अभी यहाँ पर 42 रामसार साइट्स हमें देखने को मिलते हैं, 3 जिसमें से आपके हिमाचल में है. 3 पिलर्स के ऊपर ये बात करता है. पर्पज़ मैंने आपको बता दिया कि जो आपका वाइज यूज़ कैसे करना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, सिंस एनवायरनमेंट. हम वैसे भी अभी कितने जागरूकों के बात करते हैं कि एनवायरनमेंट को जो है सेव करना है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वी आर ऑलवेज वेरी अवेयर नाउडेज. तो सिंस हम बात कर ही रहे हैं एनवायरनमेंट चेंज की, तो आपने और भी कभी काफ़ी सारी स्टोरीज ज्योग्राफी में स्पेशली आप सुनते हैं. तो एक येलो स्टोन वाइल्ड लाइफ आपका नेशनल पार्क है, कहाँ पर है, ये आपका यूएस में है. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्या होता था, यहाँ पर वुल्स हुआ करते थे, वुल्स थे, फिर आगे जैसे भी आपका फूड चेन रहता है नीचे एनिमल्स थे, वो ग्रेजिंग एनिमल्स वो ग्रेज किया करते थे. अब जब वुल्स वहाँ से ख़त्म हो गए तो आपके जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उन्होंने इतना ज़्यादा ग्रेज किया या इतना ज़्यादा जो है मतलब उसको डिग्रेड कर दिया सॉयल को, कि जो रिवर है उसने अपना कोर्स चेंज कर दिया. यानी कि अब जब रिवर कोर्स चेंज करती है तो उसके आसपास का एरिया फर्टाइल था, कैसा था, 100 तरह की चीज़ें जो हैं सब चीज़ें बदलने लगी. तो फाइनली वहाँ पर वुल्फ्स को फिर से इंस्टॉल किया गया, वापस से उनको डाला गया इकोसिस्टम में और फिर से वापस जो चीज़ें नॉर्मलाइज होनी शुरू हुई. सो इसी तरीके से हम इंस्पिरेशन लेते हैं और इस तरीके की कन्वेंशन जो है अक्सर किए जाते हैं और जो कि आप एनवायरनमेंट में प्रॉपरली पढ़ते हैं, आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. सो रामसार साइट्स देख लेते हैं. पहला आ गया आपका पोंग डैम. अभी पोंग डैम तो हम सबको पता है कहाँ पर है, ये एक तो आपका कांगड़ा में है और उसके अलावा शिवालिक हिल्स में आता है, ब्यास रिवर के ऊपर है. और ये अभी अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पर बर्ड फ्लू हो गया था, है ना. आप बहुत बार बोल रहे थे कि
आपके जो एग्स हैं वो नहीं खाने हैं, किस तरीके का फ्लू है उसके ऊपर, कोई एवियन फ्लू था क्वेश्चन उसके ऊपर अक्सर आते हैं, तो वो देख लेना है आपने एक बार। फिर इसका, इसी का नाम है आपका महाराणा प्रताप रिजर्वॉयर भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा डेट ऑफ डिक्लेरेशन याद रखना है, 2002 है, तो तीन ही तो है ये, एक का 2002 है, जो बच गए दो आपका रिवालसर और चंद्रताल, उनका 2005 है, राइट। अब पोंग डैम में माइग्रेटरी बर्ड, जैसे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, तो इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स की ऑब्वियसली बात की जाएगी। फिश रिजर्वॉयर्स हैं बड़े बड़े, एरिया के ऊपर वैसे तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आए तो छोड़ भी सकते हैं, सिंस ये फिगर्स जो हैं अब आप सारे के सारे डैम्स के हाइट्स जो हैं ये सब याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट देख लीजिएगा, ठीक है। फिश रिजर्वॉयर्स यहाँ पर अच्छे अच्छे बने हुए हैं, देन माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत सारे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, स्पेशली ये है आपकी बार हेडेड गूस, यही है जो सबसे ज़्यादा अभी वहाँ पर इनका हमने डेथ होने देखा था बर्ड फ्लू के वजह से। सो ये सारे, बाकी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपका नॉर्दर्न पिनटेल देखने को मिलता है हमें, और बहुत सारी जो स्पीशीज हैं माइग्रेटरी स्पीशीज यहाँ पर आती हैं, सो इसी की वजह से इसको यहाँ पर एक वेटलैंड, इंपॉर्टेंट वेटलैंड भी घोषित किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका एवियन H5N1 फ्लू था यहाँ पर, एवियन फ्लू इसे कहते हैं। इसके ऊपर पॉसिबिलिटीज देख लेनी है, इसके ऊपर अगर मेंस में भी क्वेश्चन आए कि क्या ये फ्लू जो है एनिमल, हम इतने वरिड क्यों थे, ये एनिमल से आपके ह्यूमंस में तो आता नहीं है, तो हमने एग्स क्यों खाने बंद कर दिए थे, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपने ऑलरेडी देख लेनी है। अगर नहीं देखी है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो भी किया था, या फिर कोई एक अच्छा सा आर्टिकल इसके ऊपर पढ़ लेना, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप बताने लायक हो कि क्यों हम इतने डरे हुए थे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज रेणुका वेटलैंड। अभी रेणुका वेटलैंड हमें पता है कहाँ पर है, सिरमौर में है ना, जो डेट है वो मैंने आपको 2005 बता ही दी डिक्लेरेशन की, बाकी अगेन वेटलैंड है, रामसार साइट है, क्यों है, क्योंकि इतनी सारी स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना हमें देखने को मिलती है, स्पेशली फौना जब हम बात करते हैं बर्ड्स की, माइग्रेटरी बर्ड्स की स्पीशी, तो 103 स्पीशीज देखने को मिलती है, 66 आर रेजिडेंट, मतलब जो बच गई वो आपकी माइग्रेटरी है। फौना देख लेते हैं हम, हिमालयन ब्लैक बियर है, जंगल कैट है, हिमालयन पार्क, देन आपका जैकल, कॉमन लंगूर, ये यूजुअली जो है सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट सभी जगह पे, जो भी मतलब आपने सिर्फ आपको सारे के सारे कॉमन वाले याद कर लेने हैं बाय चांस अगर लिखने को आता है, जो डिफरेंट होता है जैसे पिन वैली में आपका स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है, अब वो जो है आपको लोअर शिवालिक्स में थोड़े ना देखने को मिलेगा, बस ये डिफरेंट वाला याद कर लेना है, बाकी जो है ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, ठीक है। फ्लोरा की हम बात करें, ड्राई डेसूडियस मतलब आपका ड्राई मिक्स डेसूडियस बेसिकली देखने को मिलता है, शब्द वगैरह थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं। फिर हम यहाँ पर अपनी माइग्रेटरी स्पीशीज की अगर बात करें तो ये देख सकते हैं आप, ये स्मॉल एग्रेट है, ये आपका कॉर्मोरेंट है, सो इस तरीके से आपकी जो है स्पीशीज हमें यहाँ पर माइग्रेटरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ गया फाइनली आपका चंद्रताल वेटलैंड, 2005 अगेन डेट ऑफ डिक्लेरेशन, जैसा इसका नाम है चंद्रताल, मून लेक, हमने लेक्स में भी पढ़ा था है ना, जो अपर चंद्रा वैली है वहां पर ही हमें देखने को मिलता है, चंद्रा रिवर है, ये सब चीजें आई एम अज्यूमिंग आपने सिंस ज्योग्राफी पढ़ी है तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब कौन कौन सी स्पीशीज यहाँ पर देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको ये आपके स्नो कॉक हो गए, चुकोर है, देन ब्लू शीप, इंडियन आइबेक्स, ये सब हमें, एंटेलोप्स देखने को मिलते हैं, रेड फॉक्स है, गोल्डन ईगल है, तो ये वाले आपको, सिंस आपको ये भी पता होगा कि कहाँ गए, ये हाइट ज़्यादा बढ़ गई, हाइट ज़्यादा बढ़ गई यानी कि स्नो लेपर्ड्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम फ्लोरा की बात करते हैं तो एल्पाइन जोन है, सिंस टेम्परेचर कम हो जाता है, हाइट ज़्यादा हो जाती है, तो जब हम वेजिटेशन जोन पढ़ेंगे तो उसमें स्पेशली मैं बताऊंगी कि एल्पाइन जोन जो है वहाँ पर किस तरीके के आपके हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पर लिस्ट भी लगी हुई है कि कौन कौन से हमें आपके बर्ड स्पीशीज देखने को वहाँ पर मिलते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं यू कैन गो थ्रू इट वंस, राइट। फाइनली आ जाते हैं हम आगे नेशनल पार्क्स की तरफ। अब पांच नेशनल पार्क्स मैंने आपको बताए थे, ग्रेट इंडियन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्र किला, खीर गंगा एंड सिंबल बारा, तो इनके एक 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद कर लेना है, कुछ जो डिफरेंट सी, देखिए ये तो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, यहाँ पर स्नो लेपर्ड मिलता है, ये कुल्लू है, ये आपका ट्रैक यहाँ पर इतना लाइक अच्छा वाला, जितने भी आपके व्लॉगर्स रहते हैं वो इतने सारे ट्रैक उन्होंने यहाँ पर शूट किए होते हैं। फिर सिंबल बारा यहाँ पर पिछले साल एक अलग 7 सेंटीमीटर की नई स्पीशी मिली है शिप उसकी फिश की, ठीक है, ये याद रखना है। बाकी इनके ईयर ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो हम आगे भी देख लेंगे, तीन का तो आप देख ही सकते हैं 2010 है, बाकी पिन वैली 87 है और ये 84 है, सो ये आपको देखना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और बहुत सारे एरिया इसमें आता है, आपकी तीर्थन वैली है, सैंज वैली है, ये सारा एरिया इसमें कवर हो जाता है।
उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, ट्रैक्स भी यहाँ पर जो है वो करवाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं इसको एस्टैब्लिश, जैसा हमने पहले भी देखा, कब किया गया था, ये किया गया था 1984 में, और फिर इसको नेशनल पार्क बनाया गया आपके 1999 में, एंड फाइनली 2014 में जो आपका दोहा मीटिंग हुई थी, दोहा कन्वेंशन हुई थी, वहां पर इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी डाल दिया गया था इन दी जो भी आपका यूनेस्को है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसको भी इसमें ऐड कर दिया गया था 2010 में, जिसकी वजह से ये मतलब जो इसका एरिया है बेसिकली वो ज्यादा बन गया। तो ये आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये जो इको डेवलपमेंट जोन है ये भी इसको यहाँ पर अलग से इसको मतलब हिमालयन पार्क के बाहर इसको थोड़ा सा इको डेवलपमेंट जोन रखा गया है। यहाँ पर अगेन हमें फौना एंड फ्लोरा के अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलती है, 376 फौना स्पीशीज यानी कि रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज इंद्रकिला नेशनल पार्क। अभी इंद्रकिला नेशनल पार्क अगेन कुल्लू में है, ठीक है, एरिया इसका 104 स्क्वायर किलोमीटर है, मैंने आपको बता दिया 2010 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। नेक्स्ट इज खीर गंगा नेशनल पार्क, ये भी अगेन कुल्लू में है, फेमस ट्रैक यहाँ पर हमें इसका पता ही है, इसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो आपके सेम ही मिलते हैं इनमें, ऑलमोस्ट जो फौना है इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है, तो इतना ज्यादा बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज सिंबल बारा नेशनल पार्क, कहाँ पर है, सिरमौर में है, पाउंटा तहसील में। उसके अलावा 1958 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था, एंड फाइनली 2010 में इसको नेशनल पार्क यहाँ पर एस्टैब्लिश कर दिया गया। सबसे छोटा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का, और एक और नाम से इसे हम जानते हैं, कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क। तो ये याद रखना है, सिंस ये न्यूज़ में था पिछले साल, न्यूज़ में ये क्यों था मैंने बताया अभी आपको, एक नई तरह की फिश स्पीशी यहाँ पर देखने को मिली थी। फ्लोरा इसका मॉइस्ट साल बियरिंग आता है, एंड फौना की अगर हम बात करें, इंडियन वाइल्ड बियर है, लेपर्ड कैट है, इंडियन मकाक है, देन आपका गोरल, गोरल ये बेसिकली शीप है, एंटेलोप जैसा होता है, फिर इंडियन हेयर है, जैकल है, लेपर्ड, सांबर, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये आपकी जो फिश है इसका नाम भी इसी के ऊपर पड़ा है, सिंबल बारा एक रिवर भी है ना, उसी में मिली है ये, गारा सिंबल बरनेसिस। सो नाम याद रखना है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट इज पिन वैली नेशनल पार्क। तो एक चीज जो आपको याद रहनी चाहिए, यहाँ से स्नो लेपर्ड, यहाँ पर अक्सर स्नो लेपर्ड जो है उनको स्पॉट किया जाता है, और उसके ऊपर इनका टूरिज्म चलता है कि हाँ जो यहाँ पर, चाहे वो बूढ़ा ही हो, चाहे वो मरने वाला हो, चाहे वो खदेड़ के जा रहा है, लेकिन जो है टूरिज्म के नाम पर यहाँ पर स्नो लेपर्ड को बहुत ज्यादा ऐसे अच्छे से दिखाया जाता है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट एरिया है, और नेशनल पार्क कब बना था, 1987 में बना था, और उसके अलावा एरिया की अगर हम बात करें तो 675 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पर एरिया है। फ्लोरा अगेन ड्राई अल्पाइन है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो अल्पाइन तो हो ही जाता है, स्क्रब्स और श्रब्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर फौना की अगर हम बात करें तो ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तिब्बतियन गजेल है, सो यहाँ पर ब्लू शीप, वुल्व्स, हिमालयन माउस है, तिब्बतियन गजेल, रेड इंडियन फॉक्स, ये सब एनिमल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जो फेमस है वो है मेडिसिनल प्लांट्स। अभी जो मेडिसिनल प्लांट्स है वो बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के यहाँ पर मिलते हैं इस तरीके से, और बहुत सारी रिसर्च पेपर्स इनके ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे जॉन्डिस के ऊपर थोड़े टाइम पहले एक रिसर्च पेपर लिखा गया था, और बताया गया था कि किस तरीके से इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन और तिब्बतन मेडिसिन का जो आपका सिस्टम है उसमें बताया गया है कितना सारा फ्लोरा रिच है पिन वैली में, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन हिमाचल प्रदेश। अभी मैंने आपको बताया बहुत जगह 31, 32, 28 बहुत सारे फिगर्स लिखे गए हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, इनकी लोकेशन के ऊपर। अब जैसे जो आपके बेसिक जैसे हैं, जो आपके नाम से हमें पता चल रहा है, जैसे धौलाधार है ये तो आपको पता ही होगा कि कांगड़ा में है, या चूरधार है ये भी आपको पता ही होगा, देन चंद्रताल है, ये वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको पता है। लेकिन जैसे कि आ जाता है खोखन, तो ये कुल्लू में है, इसी तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इनमें से आप देख सकते हैं कि तालरा है, या इनमें से सबसे छोटी हमारी जो है उसका नाम है शिली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है शिली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो कहाँ पर है, तो वो आपकी सोलन में है। सो इस तरीके से आपको इनकी जो एक लोकेशन है वो देख लेनी है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहुत ही ज़्यादा किस्मत ख़राब होगी आपकी तो वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं एक बार वापस से आई गो थ्रू इट, क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं बनते हैं कि लोकेशन पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आखिरी में आपको मैं छोड़ने वाली हूँ इस क्वेश्चन के साथ। सो दिस वॉज अ एनिमल, अभी जनवरी में या फिर लेट दिसंबर में
लेट दिसंबर में जनवरी में इसको यहाँ पर कहाँ पर स्पॉट किया गया, स्पीति वैली में स्पॉट किया गया, स्पीति में किया गया, और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर टाइप की स्पीशी है। सो इसका नाम आप मुझे बताइएगा, इससे पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है, स्पेशली सो कॉल्ड जो सब लोग करंट अफेयर्स करते रहते हैं हिमाचल प्रदेश के, वो बताएंगे मुझे कि ये कैसा है, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। राइट, सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग। Stay home, stay safe, and get vaccinated.